हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर इन साइंस। नेक्स्ट चैप्टर इज केमिस्ट्री चैप्टर। चैप्टर 6 नेम केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। जो हमारा केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है वो कैसा नाम है, केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जेनेटिक्स वाला चैप्टर पूरा कराया था, उसमें लास्ट में एक टॉपिक रह गया था कि डाईहाइब्रिड जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था मेंडल का, उसके बेस पर मेंडल ने इनहेरिटेंसी का थर्ड लॉ बनाया था जिसका नाम है इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट। उसको आप बुक में से पढ़ लेना, उसमें यही बताया कि जब दो या टू एंड मोर करेक्टर एक साथ जब क्रॉस कराते हैं तो सभी करेक्टर जो होते हैं वो इनडिपेंडेंट होकर आगे जाते हैं। दो करेक्टर एक साथ चलते हैं, टू और मोर करेक्टर, लेकिन एक का इफेक्ट दूसरे पर नहीं पड़ता। जैसे हम राउंड और रिंकल्ड को क्रॉस करा रहे थे तो हमको या तो राउंड ही मिल रहे थे या रिंकल्ड ही मिल रहे थे, दोनों जो करेक्टर हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। और या फिर इस तरह से या तो येलो ही मिल रहे हैं या ग्रीन मिल रहे हैं, येलो और ग्रीन आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर है इसमें ये टॉपिक एक छूट गया था, थर्ड लॉ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट वाला, वो आपको मैंने अभी समझा दिया और बुक में से उसको अपनी नोट कॉपी में उतार लेना। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आप फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में पहले भी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, लेकिन इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले हम वापस फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं, फिजिकल चेंज दीज आर दोज चेंजेस इन विच देयर इज ए चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो ये वो चेंजेज होते हैं जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टी आप जानते हो, जैसे कलर है, हार्डनेस है, उसकी स्टेट है, ये सब किस में आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। तो ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्टेट आर सब्सटेंस की चेंज होती है, बट नो चेंज टेक प्लेस इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन उनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। आफ्टर रिमूवल ऑफ कॉज ऑफ चेंज इनिशियल सब्सटेंस इज अगेन ऑब्टेन, कि यदि आप उसको वापस रिमूव कर लेंगे उस रिएक्शन को, तो जो इनिशियल सब्जेक्ट जो सब्सटेंस था जहाँ से आपने उसको स्टार्ट किया था वो वापस आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये चेंज कौन से कहलाते हैं, फिजिकल चेंज। जैसे एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम है वाटर, जैसे वाटर है, वाटर को आपने उसको बॉयल किया तो वो कौन सी स्टेज में आ जाता है, गैसियस स्टेज में, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O। वाटर को यदि आपने कूल किया तो वो कौन सी स्टेज में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में, आइस। लेकिन आइस हो या वाटर हो या वेपर हो, तीनों ही स्टेट में जो उसका केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो सेम रहता है, H2O। केवल उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, थोड़ा सा कलर में, हार्डनेस में क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। तो स्टेट सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसियस, या गैसियस से वापस आप उसको कौन सी स्टेट में ला सकते हो, लिक्विड में, लिक्विड से वापस उसको कौन सी स्टेट में ला सकते हो, सॉलिड स्टेट में। तो ये जो चेंज होता है वो कौन सा कहलाता है, फिजिकल चेंज कहलाता है। एग्जाम्पल, वाटर इज इन लिक्विड स्टेट इन कन्वर्ट इंटू द गैसियस स्टेट वेपर, फॉर्मूला सेम चल रहा है, H2O ऑन हीटिंग एंड कन्वर्ट इंटू द सॉलिड स्टेट आइस, H2O ऑन कूलिंग। जब आपने उसको ठंडा किया बहुत ज़्यादा है, फ्रेजिंग करी उसकी, तो वो कौन सी स्टेट में आ जाता है, सॉलिड स्टेट में, इसको हम कहते हैं आइस। अब आप आइस से वाटर और वाटर से वेपर में चेंज कर सकते हैं, और वापस आप वेपर को वापस किस में ला सकते हैं, वाटर यानी लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट से वापस उसको कौन सी स्टेट में ला सकते हैं, सॉलिड स्टेट में। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, फिजिकल चेंज कहलाते हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल चेंज, फिजिकल जो चेंज है उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्टेट, कलर, अपीयरेंसी, यानी वो कैसा दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि आइस को देख रहे हैं तो अलग तरह से उसका कलर आपको वाइट वाइट सा नज़र आएगा, जो लिक्विड देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट दिखेगा, गैसियस में उसको अलग सा दिखेगा। तो जो अपीयरेंसी में चेंज, तो केवल प्रॉपर्टीज़ में स्टेट चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है, अपीयरेंसी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है, ऑन रिमूविंग द फैक्टर फॉर मेकिंग चेंज द इनिशियल सब्सटेंस ऑफ स्टेट इज ऑब्टेन, यानी आप यदि वापस उसको बैक करेंगे रिएक्ट उसकी स्टेट को या उसको चेंजेस को, तो आप वापस जो इनिशियल जो सब्जेक्ट
सब्सटेंस है उसको वापस आप प्राप्त कर सकते हैं। न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म्ड ड्यू टू द फिजिकल चेंज। जब भी फिजिकल चेंज होता है तो कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। दिस चेंज इज अनस्टेबल, और ऐसे जो चेंज होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। यानी सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, फिर गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड यानी आइस। तो अनस्टेबल है, उनकी जो फिजिकल जो स्टेट है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल है, यानी वो स्थाई नहीं है। अपनी जो स्टेट है उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने किसकी पढ़ी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब क्या है नेक्स्ट है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होते हैं, दीज आर दोज चेंजेज इन विच देयर इज ए चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। तो कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है, जैसे इसमें हमने पढ़ा कि कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा, H2O, लेकिन इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है और कंपोजिशन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और सब्सटेंस एंड न्यू सब्सटेंस इज ऑब्टेन, और इसमें हमको एक नया सब्सटेंस क्या होता है, मिलता है। जैसे एग्जांपल, व्हेन कार्बन इज बर्न इन एयर कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस फॉर्म। तो जब हम कार्बन यानी कोयले को जब आप जलाते हो, जलने के लिए कौन सी गैस चाहिए, एयर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कौन सी गैस रिमूव होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट कार्बन बैक फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि आप कार्बन डाइऑक्साइड से वापस कार्बन को प्राप्त कर सकें। यानी कार्बन को आपने जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के साथ में, तो कौन सी गैस बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अब यदि आप चाहो कि कार्बन डाइऑक्साइड से वापस आप कार्बन बना लो, तो वो नहीं होगा। तो इस तरह के जो चेंज होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। जैसे C+O2CO2, तो C क्या है, कार्बन है, O2 ऑक्सीजन है, और CO2 कौन सी गैस बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने ये एरो लगाया, इसमें देखो आप दोनों तरफ एरो लगा रखा है, जो फिजिकल चेंज है दोनों तरफ। आगे हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये एरो जो होंगे वो कि जो दोनों तरफ से चल रही हैं वो तो कौन सी कहलाती हैं, रिवर्सिबल, और जहाँ पर हमने एक ही तरह का एरो लगा रखा है वो है इरिवर्सिबल। वो इस चैप्टर में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब अदर एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब है लोहे के ऊपर जंग लगना, वो भी किसका एग्जांपल है, केमिकल चेंज का है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो मिल्क से यदि आपने कर्ड बना लिया, तो आप कब ऐसा चाहो कि हम कर्ड को वापस मिल्क में चेंज कर दें, तो वो कभी भी नहीं होता है। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं, केमिकल चेंजेस के हैं। अब केमिकल चेंजेस की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, जो हमने पढ़ा है वही, द सब्सटेंस ऑब्टेन बाय केमिकल चेंजेस कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इनिशियल सब्सटेंस। तो बिल्कुल जो आपको दूसरा मिलेगा सब्सटेंस, वो इनिशियल सब्सटेंस जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जो था उसने कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, तो ये इससे बिल्कुल क्या होगा, डिफरेंस होगा इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी और कंपोजिशन भी चेंज होगा। नेक्स्ट, इनिशियल सब्सटेंस कैन बी नॉट अगेन बी फॉर्म। वापस हम उसको जो हमने जहाँ से शुरू किया था या जहाँ से उसको जलाया था, कार्बन को जलाया, तो वापस कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इसमें हमेशा नए सब्सटेंस बनते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, न्यू सब्सटेंस है, तो ये नया सब्सटेंस क्या हो गया, बन गया। दिस चेंज इज स्टेबल, और ऐसे चेंज क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं यानी स्थाई होते हैं। ये अनस्टेबल है, ये स्थाई नहीं है, ये स्टेबल है, ये क्या है, स्थाई है, यानी आप उनको वापस चेंज नहीं कर सकते। तो ये आज हमने इस चैप्टर में फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, इनके एग्जांपल पढ़े हैं, और फिजिकल और केमिकल चेंज की क्या पढ़ी है, प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में What is physical change with example, properties of physical change, what is chemical change with example and properties of chemical change, यही आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।